पुढ़ा रसकला गाना सुना अब अवॉर्ड ला ऑलवेज हैप्पी रहेंगे, गाना सुना अब अवॉर्ड लेंगे। काय को सुनना काय को रे, सुनेगा नहीं तो साला बेजा होएगा साइको रे। टाउ 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 आई थिंक वैरायटी, अगर ट्रेंड बोला जाए इस साल हमें वैरायटी बहुत अलग अलग तरीके के गाने देखने को मिले और सबने अलग अलग तरीके का लिखा है और हर एक लिरिसिस्ट की रेंज भी मतलब दिखाई दे रही है। इस बार निषाद भाई ने अच्छे गाने लिखे हैं, अमिताभ ने अच्छे गाने लिखे हैं, स्वानंद भाई ने लिखे हैं, सब ने जितने भी और नए भी लिरिसिस्ट आए हैं काफ़ी सबने अलग अलग तरह का किया है। मयूरपुरी ने भी अलग अलग गाने लिखे हैं, कोशिश की है। ये साल मेरा बहुत ओवर प्रोडक्टिव, मैं कभी मेरे 5 या 10 से ज्यादा गाने होते नहीं, लेकिन इस साल कुछ 20 के ऊपर गाने इस साल कुछ होता है। मुझे लिखने में इस साल जो पर्टिकुलरली मैंने एंजॉय किया वो ABCD के मेरे जितने गाने थे, दैट एल्बम विल ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू मी। बहुत हार्डवर्क किया हम लोगों ने उस पर, एक साल कंप्लीट पूरा ऑलमोस्ट पूरा एक साल लगा उस एल्बम को बनाने में, एक एक गाने पे महीना भर काम चला है उस पर। तो लिरिक्स कई बार रिवाइज थॉट के लिए वेट कर रहे हैं, सोचते रहे हम लोग। मतलब मुझे लगता है साइको रे लिखना बहुत मुश्किल है, वो लगता है आसान मगर वैसा नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट सॉन्ग टू राइट। इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ही गाना था मेरा लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया वो गाना लिखने में। पर्सनली मुझे लगता है एक अचीवमेंट टाइप है कि इतना रोमांटिक गाना, इतना इमेजरी, इतना उसको न्याय करना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट वॉज फन। मुझे प्रीतम हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और मेरे दोस्त भी हैं और मुझे हमेशा लगा इस साल स्पेशली उन्होंने जो 4 या 5 एल्बम किए सभी, मतलब स्पेशली ये जवानी है दीवानी और इट्स फटा पोस्टर निकला हीरो, वो मुश्किल एल्बम्स, डिफरेंट एल्बम्स, हर एक गाना अपने आप में आइटम होना ज़रूरी है, हर एक गाना पॉपुलर होना ज़रूरी है, उसके बावजूद उसमें कहीं ना कहीं एक सेंसिबिलिटी, कहीं ना कहीं एक मेलेडी का अच्छापन रहे, एक दर्जा रहे। जैसा मैं शायरों के बारे में बोलता हूँ ऐसा प्रीतम पे भी लागू है कि एक दर्जा होता है मेलेडी का, उससे नीचे आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा वैरिड काम लगा। नए जो लोग आए हैं उनका भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मिथुन का काम आशिकी में अच्छा लगा, मुझे अंकित तिवारी का काम अच्छा लगा, मुझे सचिन जिगर ऑफकोर्स मेरे साथ में सबसे ज़्यादा इस साल उन्होंने काम किया है, स्माइल एकदम स्माइल दोस्त है मेरे, छोटे भाई की तरह। मैं ज़्यादा अपने आप को और अपने दोस्तों को कम ऐसे प्रमोट करना मुझे आता नहीं है, और सही बात है इस साल उन्होंने कुछ काबिल मगर काबिल तारीफ काम किया है, बहुत अच्छा वैरिड। आप देखिए एक तरफ ABCD, एक तरफ गो गोवा गॉन, एक तरफ ऐसा, एक बड़े अलग अलग रमैया वसावैया, कितने अलग तरीके का काम है। इस साल की कमाल ये है कि शुद्ध देसी रोमांस, इस साल सब लोगों ने वैरायटी दी है ऑडियंस को, ये दिखाया है हर कंपोजर ने, हर बड़े कंपोजर ने और हर अच्छे लिरिसिस्ट ने कोशिश करके आज इस साल ये दिखाया कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी ऑडियंस की है कि आप चुनें, आप उसे पसंद करें, आप उसे प्रमोट करें, आप रिंगटोन डाउनलोड करें और हम सबको रॉयल्टी दें। मुझे इस साल अगल बगल से मैं बहुत सरप्राइज हुआ, बिकॉज तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, ये इरशाद भाई लिख रहे हैं, ये बहुत कमाल की, आई थिंक ये हिंदी फिल्मों के लिरिक्स में बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि इरशाद भाई भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो एक टिपिकल शायर या उन्होंने सईद कादरी साहब का स्पेस छोड़ के और या रूमी का स्पेस छोड़ के या यू नो जो दाग मोमिन फिराक गालिब वगैरह का जो स्पेस है उसको छोड़ के और उन्होंने एकदम हमारे टाइप का मेरे और अमिताभ टाइप का गाना उन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, इट्स फन। और क्या होता है, एक शायर का, एक अच्छे राइटर का एक दर्जा होता है, वो दर्जा कभी खोता नहीं है। जैसे गुलजार साहब हैं, अगर वो भी आइटम साहब लिखते हैं तो वो बीड़ी जले ले लिखते हैं, एक दर्जा है उनका, वो दर्जा, उस दर्जे से नीचे वो कभी नहीं जा सकते चाहे आप उनको कोई भी सिचुएशन दे दो। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, लाइक माइंडेड लोगों से मिला, जूरी के और सदस्यों से मिला, जानने को मिला, सीखने को मिला, इट वॉज फन।